नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ टंग। टंग प्रेजेंट कहाँ होता है? फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो हमारा फ्लोर होता है उसके बेस पे, या हमारा ओरल कैविटी है यहाँ बेस पे, जो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोर, फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। टंग्स के ऊपर देखा होगा, टंग हम लोग क्यों है? ऑब्वियसली टॉक करने के लिए और टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए होता है। टंग कैसे टंग टेस्ट को कैसे डिटेक्ट करता है? उसके ऊपर छोटे छोटे स्मॉल सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे बोलते हैं पैपिले। टंग कंटेन्स पैपिले। उसमें पैपिले में आता है, तीन तरह के पैपिलेज होते हैं। सरकम वैलेट पैपिले जो अंदर होता है इनसाइड द टंग, ये इनर वाला पार्ट है। जो हम लोग बाहर वाला पार्ट देखते हैं ये बाहर वाला पार्ट हुआ जो टंग, इफ यू रिमूव योर टंग देख पाओगे। सरकम वैलेट पैपिले, पिलीफॉर्म पैपिले। पिलीफॉर्म मतलब तुम्हारे सेंटर से पूरा हर जगह से फैला हुआ होगा, भरा हुआ होगा, पूरे हर जगह से भरा हुआ होगा, तो उसे बोलते हैं फिलीफॉर्म पैपिले। और जो साइड साइड्स में होता है उसे बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म पैपिले। तो सरकम वैलेट पैपिले, फिलीफॉर्म पैपिले, फ्यूजीफॉर्म पैपिले। इस पैपिले पे टेस्ट बर्ड्स होता है जिससे टेस्ट डिटेक्ट होता है कि कोई चीज तीखा कैसे है, मीठा कैसे है, कड़वा कैसे है। तो यहाँ पे जो अंदर साइड होता है ना, वो सारे टेस्ट बर्ड्स क्या डिटेक्ट करते हैं? बिटर टेस्ट। जो साइड में होते हैं खट्टी चीजों के लिए, सार टेस्ट साइड में। लैटरल साइड में नमकीन चीजों के लिए, सॉल्टी चीजों के लिए। और जो टिप होता है, टिप ऑफ द टांग, इसको स्वीट। और यहाँ पे छोटा सा पार्ट एक और होता है जो मिक्स, सारे मिक्स टेस्ट के लिए होता है, मिक्स टेस्ट। ये समझ आया टेस्ट? और टेस्ट कैसे डिटेक्ट होता है? टेस्ट बर्ड से। सारे पैपिले पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ किस पे प्रेजेंट होता है? सरकम वैलेट एंड फ्यूजीफॉर्म। सरकम वैलेट और फ्यूजीफॉर्म पैपिले पे ही क्या देखने मिलता है? टेस्ट बर्ड्स। बाकी जो भरा हुआ पार्ट है, बाकी जैसे फैला हुआ, वहां पे क्या होता है? कौन सा पैपिले? फिलीफॉर्म पैपिले। टंग कंटेन्स पैपिले, सम पैपिले, कुछ पैपिलेज क्या कंटेन करते हैं? टेस्ट बर्ड्स। तो यहाँ पे ये कैसे डिटेक्ट करता है टेस्ट? जो अपर साइड होगा बिटर टेस्ट, लोअर लैटरल साइड्स में सॉल्टी, लोअर अपर लैटरल अपर साइड में सार, और जो टिप वाला पार्ट होता है वो क्या करता है? स्वीट। तो टंग किस में हेल्प करता है? मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा, मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। जैसे हमने खाना खाया उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम कौन करता है? टंग। मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा, दिस इज योर एंटायर टंग का स्ट्रक्चर। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ फैरिंग्स। फैरिंग्स फैरिंग्स तीन पार्ट में डिवाइड होता है। नियर टू नेजल कैविटी में एक होता है जिसको बोलते हैं नेजो फैरिंग्स। नेजो फैरिंग्स ओरल कैविटी में भी एक ओपनिंग होती है, फैरिंग्स को बोलते हैं ओरो फैरिंग्स। और एक होता है लैरिंगो फैरिंग्स, लैरिंग्स की ओपनिंग की तरह, लैरिंगो फैरिंग्स। लैरिंगो फैरिंग्स फैरिंग्स हम लोग जिसको बोलते हैं, विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये मेन पॉइंट है फैरिंग्स, कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर, फॉर फूड एंड एयर। यहाँ स्ट्रक्चर में देखने मिलेगा फैरिंग्स इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। नेजो फैरिंग ओपनिंग नियर टू द नोज, उसे बोलते हैं नेजो फैरिंग्स। ओरल कैविटी के आस पास में है, सीजर माउथ। ये तुम्हारा नोज है, ये माउथ है, नोज से एक पाइप, ऐसा बोलते हैं ओरो फैरिंग्स। यहाँ पे आ रहा ओरो नेजो फैरिंग्स, ओपनिंग नियर टू द नोज, माउथ के ओपनिंग के यहाँ पे जो फैरिंग्स आ रहा है उसे बोलते हैं ओरो फैरिंग्स। और लैरिंग्स यहाँ पे जो आ रहा है उसे बोलते हैं लैरिंगो फैरिंग्स। तो तीन पार्ट हो गया, दिस इज योर नोज वाला पार्ट, माउथ वाला पार्ट, तो नोज की ओपनिंग की फैरिंग्स के ऊपर जो ओपनिंग से बोलते हैं नेजो फैरिंग्स या ओरो फैरिंग्स। तो ओरो फैरिंग्स इज द पॉइंट विच इज द कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज फूड एंड एयर कौन सा पार्ट होता है? ओरो फैरिंग्स। तो ओरो फैरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर।
लैरिंगोफैरिंक्स, इतना समझ आया? फैरिंग्स, यहाँ स्ट्रक्चर में देखते हैं हम लोग फैरिंग्स। दिस इज योर फैरिंग। यहाँ पे देखने मिल रहा पैरिंग्स, यहाँ पे जो नोज के थ्रू आ रहा है ये माउथ है, यहाँ माउथ, माउथ की तरफ से जो कैविटी आ रही है वो तुम्हारा क्या है, ये माउथ वाला ओरोफैरिंग्स। यहाँ पे जो नोज वाला आ रहा है उसे बोलते हैं नेजोफैरिंग्स, और फैरिंग से जस्ट नीचे होता है लैरिंगोफैरिंग्स, तो यहाँ पे जो ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं लैरिंगोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स जी, तो लैरिंगोफैरिंग्स। नाउ वी विल सी द फैरिंग्स कंप्लीटेड, नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ ईसोफेगस। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस का जो लेंथ होता है टोटल एलिमेंट्री कैनाल का, एक्चुअली मैं लेंथ बता देती हूँ, टोटल एलिमेंट्री कैनाल का जो लेंथ होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से लेके स्टार्ट हुआ थ्रू एना टूवर्ड्स एनस, टोटल लेंथ होता है 8 to 10 meter। सोचो कि कितना लेंथ में कितना लंबा है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, तो इतने से बॉडी में कैसे एडजस्ट हो गया, थ्रू कॉइलिंग, कॉइल करके एडजस्ट हुआ, कॉइलिंग। तो एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ कितना होता है, 8 to 10 meter, ये यूनिट ध्यान देना, मीटर। और ईसोफेगस का जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर ईसोफेगस। क्या तुम्हारा ईसोफेगस कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे ट्रकिया प्रेजेंट है, और ट्रकिया के पास क्या होता है, सी शेप कार्टिलेज, जो ट्रकिया को भी प्रोटेक्ट करता है एज वेल एज ईसोफेगस को भी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ईसोफेगस, ईसोफेगस में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने मिलता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। इस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू ही जो फूड है, जो मिक्स किया हुआ फूड है सलाइवा के साथ, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, जब वो ईसोफेगस में जाता है, यहाँ पे ईसोफेगस माउथ से आया, दिस इज योर माउथ, माउथ से कहाँ आ गया, ईसोफेगस। ईसोफेगस में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इस मूवमेंट के थ्रू ही जो फूड है हमारा, जब स्वालो करते हैं तो स्वालो को बोलते हैं डिग्लूटिनेशन, डिग्लूटिशन, डिग्लूटिशन, स्वालिंग ऑफ फूड्स कॉल्ड डिग्लूटिनेशन। इसी ये स्वालो हो गया, अभी ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस में डायरेक्टली नहीं जाता, डायरेक्टली फूड गिराया और डायरेक्टली नीचे स्टमक में नहीं जाता, स्लोली स्लोली जाता, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इस मूवमेंट के थ्रू जो एंटायर फूड है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, इस मूवमेंट के थ्रू ही मूव होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, शेप देखा होगा कर्व शेप, तो कर्व शेप किस लिए है, उस मोमेंट के लिए। इस मोमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस मोमेंट, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स आर कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और इसी मूवमेंट्स के थ्रू एसोफेगस से जो फूड है उसे बोलस बोलेंगे, सलाइवा के साथ जो मिक्स हो गया उसे हम बोलस बोलते हैं, फूड मिक्स विद सलाइवा उसे बोलस बोलते हैं, फूड प्लस सलाइवा, फूड मिक्स हो गया किसके साथ, सलाइवा के साथ, उसे क्या बोलेंगे, बोलस। बोलस मूव करता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू एंटायर दी एसोफेगस।
ईसोफेगस में, या ईसोफेगस से भी क्या अराइज होता है, स्टमक। ईसोफेगस स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ईसोफेजियल, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में। ईसोफेगस और स्टमक के बीच में कहाँ प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस एंड स्टमक के बीच में। ये तुम्हारा ईसोफेगस है, दिस इज ईसोफेगस, स्टमक। यहाँ पे तुम्हारा क्या प्रेजेंट होता है, ईसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ इधर अनदर पेन फॉर दिस, इस रीजन में क्या प्रेजेंट होता है तुम्हारा, ईसोफेजियल स्फिंक्टर, दिस इज द स्फिंक्टर नेम। गैस्ट्रो, गैस्ट्रो वर्ड यूज होता है स्टमक के लिए, इसलिए गैस्ट्रो और ईसोफेगस के बीच में, स्टमक और ईसोफेगस के बीच में वो स्फिंक्टर प्रेजेंट है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये किसको कंट्रोल करता है, क्यों प्रेजेंट होता है ये, प्रिवेंट बैकवर्ड, जो फूड है स्टमक में गया वो बैकवर्डली वापस से वॉमिट ना हो जाए। वॉमिटिंग किस वजह से होती है, रीगर्गिटेशन, इसको बोलते हैं रीगर्गिटेशन, विच इज कॉल्ड रीगर्गिटेशन, 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 और स्पास, स्पास्मोडिक, स्पास्मोडिक पेरिस्टेल्सिस, स्पास्मोडिक पेरिस्टेल्सिस। इस फूड का वापस से बैकवर्ड फ्लो हो जाना थ्रू आउट ऑफ दिस माउथ, माउथ से वापस आ जाना, उसे बोलते हैं हम लोग रीगर्गिटेशन, और स्पाजम, स्पास्मोडिक पेरिस्टेल्सिस। स्पाजम का मीनिंग होता है एकदम जोर से कॉन्ट्रैक्ट होना, तो ये स्फिंक्टर प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड। बैकवर्ड जब एक बार फूड स्टमक में गया तो वापस नहीं आना चाहिए, तो कौन सा स्फिंक्टर रेगुलेट करता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, व्हिच इज, इसका एक और नेम है कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे जो रीजन है स्टमक का, ये वाला पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट के पास, हार्ट के पास प्रेजेंट होता है, इसलिए इस रीजन को बोलते हैं कार्डियक, और विच इज ऑल्सो नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर। तो हमारा जो स्टमक है तीन पार्ट में डिवाइड होता है, चार पार्ट में डिवाइड होता है, ये वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग कार्डियक, दिस इज योर फंडस, ये जो मेन वाला पार्ट है इसे बोलते हैं बॉडी, और जो लास्ट वाला पार्ट है उसे बोलते हैं पाइलोरस, पाइलोरस। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि पूरा स्टमक। हाँ एक और बात, स्टमक का जो लेंथ होता है 25 to 30 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ स्टमक, लेंथ ऑफ स्टमक इज 25 to 30 सेंटीमीटर। यूनिट ध्यान रखना है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल कितना मीटर है, 8 to 10 मीटर, इसमें से ईसोफेगस का लेंथ कितना है 25, स्टमक का कितना है 25 to 30 सेंटीमीटर, और उसका शेप कैसा होता है, जे शेप्ड, जे शेप दिख रहा होगा इस डायग्राम में, जे शेप्ड। फिर से मैं दिखाती हूँ वो स्ट्रक्चर, जे शेप्ड, यहाँ पे दिख रहा है ये तुम्हारा, दिस इज योर माउथ, माउथ से यहाँ ईसोफेगस, बकल कैविटी, ईसोफेगस, ईसोफेगस से ये जे शेप दिख रहा है, तो क्या बोलते हैं जे शेप। यहाँ पे जो एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये यहाँ के रीजन को बोलते हैं कार्डियक रीजन, यहाँ का रीजन को बोलते हैं फंडस रीजन। मेन वाला पार्ट है वो क्या आता है, बॉडी, मेन पार्ट इज बॉडी, और यहाँ पर लास्ट एंडिंग वाला पार्ट है वो हमारा क्या है, पाइलोरस, पाइलोरस। और जो स्टमक का लेंथ होता है कितना होता है, 25 to 30 सेंटीमीटर, याद रखना 30 सेंटीमीटर, और एंटायर एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस कितना होता है, 8 to 10 मीटर, 8 to 10 मीटर।